गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे, ठीक है। और जैसे कि आपने पिछले वीडियो में यहाँ पर जो है देख लिया था, हम जिमी की बीवी के साथ आ गए थे दोस्तों, ठीक है। और फिर हमने जो जो भाई किया था, मैं इस वीडियो में क्यों बता रहा हूँ यार, जाकर पिछला वीडियो देखो ना, तभी तो आपको पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल जिमी और मैं दोस्तों यार यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर ना इस गाड़ी का जो इसके ससुर ने दी थी ना भाई, पुलिस वालों ने पकड़ ली थी और रजिस्ट्रेशन कराना है इस गाड़ी का, ठीक है। तो इन्होंने बोला है, फिलहाल तो इन्होंने यहाँ पर गाड़ी को छोड़ दी है। अब मैं इसको बोल रहा था, हाँ भाई बता, अब तुमने बात करा दी ना, मैंने उससे किससे चीफ मिनिस्टर से, अब वो है ना गाड़ी की तरफ है ना, पुलिस वाले है ना, देखेंगे। बात तो सुनो दोस्तों, इसने बाबू नाम रखा था बेसिकली अपना, तो इसने बाबू जी इसने ऐसे ही लिखवा लिया था। तो होता क्या है, गाड़ी का नंबर कुछ और था और लगा कुछ और रखा है। तो फिलहाल अब ये बाबू जी के नाम से इसकी गाड़ी जो है रजिस्टर की गई है दोबारा से। वो पहले फेक नंबर लगा रखा था, वो ओरिजिनल नंबर लगा गाड़ी के ऊपर बाबू जी के नाम से। कोई दिक्कत नहीं, मेरे ससुर ने बात कर दी, बोला किसी तरह घुमाओ फिराओ, अब तुम्हें है ना कोई रोकेगा भी नहीं, हाथ भी नहीं देगा, हम वरना उसका हाथ काट दिया जाएगा। क्या कर देगा? हाथ काट दिया जाएगा। हाँ, तेरा वो क्या कहता ससुर, तो बहुत बड़ा डाकू है। हाँ, उसका वो उसने तो, एक नी मैं डाकू एक नंबर दा, हाँ जेड़ी चीज दे तो खोले ना है। हाँ भाई, उनका एक अलग ही दुनिया है उनकी भाई, एक अलग दुनिया बसा रखी उस इंसान ने। अच्छा। तो कुछ तो होगा ही, वो मिनिस्टर पनिस्टर जितने भी हैं सब उस पर लोन लेने जाते हैं, लोन दे दो जी। हाँ। जरा अलग से लड़ने हैं हमको। अच्छा अच्छा, सही कह रहा तू। हाँ। जिमी मेरे बेटे, फेक नहीं उतनी चाहिए जितनी लोग बाग बर्दाश्त कर ले, समझ गया? नहीं नहीं, मैं फेंकता नहीं, वो तो भाई लोगों को पता है, बाबू भैया कभी फेंकता नहीं। बाबू भैया का बाबू भैया फेंक रहे हैं या फिर बाबू भैया यार यहाँ पर बोल रहे हैं, कमेंट करिए बताओ जल्दी से। और फिलहाल अभी हम जो है जा रहे हैं दोस्तों, अपना कुछ काम है आज हमें, और काम होने के बाद सब कुछ काम निपटाने के बाद आज शिमला के लिए निकलना है। चलो भाई भाई जल्दी फटाफट निपटा लो फिर, है ना, मुझे कपड़े वपड़े भी लेने हैं सही तरह बढ़िया से। क्या कपड़े वपड़े लेने हैं ब्रो, बस सब कुछ रेडी है, ज्यादा बन के मत दिखा। और सेवटी को भी कोई जैकेट वॉकेट दिलवानी है। सेवटी कहाँ है यार तेरी, वो घर पे है, जरा तेरी दीदी के साथ बाजार में गई है मसाज पार्लर में। अच्छा, क्या करवाने? फेशियल वगैरह, मेहंदी मेहंदी लगवा रही हाथों पे। मसाज पार्लर में गई है तेरी बीवी मेहंदी लगाने? हाँ पार्लर में गई है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, उस पार्लर का नाम है मसाज पार्लर। अच्छा अच्छा, चलो भाई सही है, गुड हो गया अब जी भी भाई, गुड हो गया ना। हाँ गुड हो गया भाई, गुड हो गया। बाबू भैया से पंगा मत लेना पापा जी, वरना बाबू भैया की बहुत पहुँच है, मैं क्या फोन पे ना तुमको उड़ा दिया जाएगा। मैं दोस्तों यहाँ पर हमारी बेसिकली बहुत रात बहस वगैरह हुई, आप सभी लोगों के कमेंट्स वगैरह आए, तो हमने डिसाइड कर लिया गाड़ी जो हम लेकर जाने वाले हैं। बता जी कौन सी लेके जा रहे हैं? कौन सी लेके जा रहे हैं तू बता। अरे कोई बड़ी सी गाड़ी ले लेना, उठा लेना बस, और क्या। फाइव सीटर तो कोई भी नहीं अपने शोरूम में। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ ना फॉर्च्यूनर लेकर चलता हूँ अपनी, येलो वाली। हाँ ठीक है, फिर फॉर्च्यूनर में चलते हैं। बहुत जबरदस्त गाड़ी है, पहाड़ों के मतलब की है, भी है वो, है कि नहीं? मतलब की है, बहुत मस्त गाड़ी है, बहुत मस्त, समझ रहा है तू? हाँ फॉर्च्यूनर भाई साहब खतरनाक, हमारी येलो कलर की गाड़ी है। कुछ नहीं हुआ बेटे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ज्यादा ना बोल ले, बस ना करिए। हाँ बोल, अभी तो सही करा के पैसे ही पैसे फूंकते रहेंगे हम तो, तुम ठोकते रहिए, तुम्हारा पे चला नहीं आती नहीं कार भी। अच्छा। पता नहीं दोगे चलाओगे तुम, अब तुम बुढ़ापे में तुम्हारे हाथ पैर कमजोर हो लिए। अच्छा, अपना चला के कार पूरा मैं चला के लूंगा, समझ गए? बहुत चला ली तुमने, जिंदगी ज्यादा ना बोल ले, बच्चों को ना इतना नहीं बोलना चाहिए माँ बाप के आगे, इज्जत कर ली अगर थोड़ी सी। आजा चल, पता नहीं कहाँ से हुड्डी किसकी चुरा के लिया है, हुड्डी सर्दी हो रही, आजा सर्दी हो रही, मुझे भी दिला दियो कुछ फैंसी से कपड़े। बस क्या पहनेगा फैंसी, देख ये क्या पहन ले तुम, हाँ देख रहा है, गोवा जा रहे हैं, शर्ट ले लेता हूँ। बस शर्ट क्या करोगे लेके, बस कोई बात नहीं, बहुत कपड़े रखे घर पे, ज्यादा पैसे मत खर्च करो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये भी अच्छे लग रहे हैं यार, कहीं नहीं अच्छे लग रहे, ऐसे लग रहे जादू फेरोगे, यहाँ जादू पोछा लगाओगे तुम, यहाँ जाके यार गाइस अरे बढ़िया लग रही यार ये तुम्हारे, अच्छा थोड़ी पहनूंगा यार उधर दोस्तों, मत लग रहे पापा ये तुम, अबे हट नहीं रहा गया जी, मैं तो फालतू ना बोल ले,
ना तो फिर ले लो, ये तुम्हारी एक ऊपर टंग तो रही है, ये वाली ये तो पहन ही रखी तुमने, ये पहन लो। चलो ये अच्छी लग रही है दोस्तों, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। कौन सी लूँ? है फिर बे? प्लेन ये ले लो, येलो कलर की प्लेन कौन सी? ये अबे ये। हाँ इसमें तो बेकार है, मुझे तो ये अच्छी लग रही है वाली। हाँ तो बस तो ये ले लो, चलो पर थोड़ी अलग सा कलर ली है, मुझे आंखों में चुभने वाला। ये चलो ले लूंगा मैं तो। ये ना बेकार है, इससे है बढ़िया था वही थी, इससे बढ़िया था वही थी, बेकार लग रही भी, ये ये बढ़िया ले, लग रही। चलो भाई ये सही है, हाँ बिल्कुल बिहारिया वाली पसंद है तुम्हारी। अब ये क्या ले लो शर्ट देखने लगेगा तुम, चल देखता। लो। अच्छा रुक तो जा, पैंट तो देख लूँ। सही तो लग रही, ब्लैक पैंट इस पर। अच्छा जैकेट भी है वैसे इन पे यार फुल। बस जैकेट क्या पहन के बुड्ढे लगोगे तुम। अरे अबे ले लूँ क्या? अच्छा रहने दो, ये तो बेकार लग रही है यार। चल लो अबे रुक तो जा, लेने तो दे सामान। अच्छा दो शर्ट ये रखी इन पे, ये ले दे, पैंट देख लेता हूँ, जीन्स मैं, जीन्स तो सही थी वो ब्लैक कलर की। अरे ये ले लूँ वाइट सी। तो बेकार लग रही है वो, इतनी ब्लैक कलर की पहन तो रहे तुम, सही है वो तो। चल ये तो सही है, इन जूते देख लेता हूँ। दिस इज द मैं लेटेस्ट जूते भी कलेक्शन, अभी लोएगा, अनबिलीवेबल। बाद में ले लियो, फिसल नहीं वो चल छोड़ जूते नहीं। जाओगे वहां बर्फ में तुम। हाँ चलो भाई निकलते हैं ठीक है, वैसे भी ऊंचे वाले जूते तो पहन रहा मैं। फिर अरे मुझे टोपा चाहिए, पर टोपा क्या करोगे? टोपा ओढ़ना मुझे। ना भाई अरे टोपा अरे उठना हमारा ना। एक टोपा दे दो। टोपा भी हमने यहाँ पर जो है ले लिया, कैसा लग रहा? सही है, तुम्हारे बाल खराब हो जाएंगे, इतने बढ़िया स्टाइल बाल थे तुम्हारे। नहीं नहीं बस आ चलो जा चल ठीक है फिर, मुझे क्या है। भाई। जिमी टोपा ओपा अपनी सेफ्टी लेकर चलनी चाहिए, तुझे क्या पता। हाँ बढ़िया बढ़िया, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, सही है। कभी हाँ तुम वहां बीमार हो जाओ, तुम्हारी इम्यूनिटी गिर जाए, जीरो हो हाँ जाए, फिर कहाँ से बढ़ेगी, है कि नहीं पापा चल जी? बैठ जल्दी यार, इतनी ना ड्रामेबाजी दिखाया कर जिमी। चलो दोस्तों नी मैं डाकू एक नंबर दा। हाँ चलो अच्छा, एक भाई। नंबर का डाकू है तो बाबा तुम, फिर नहीं मैं नहीं दो नंबर के। यार शेव बनवा लूं। चल छोड़, सुबह को निकलना है ना जिमी। हाँ सुबह सुबह 5 बजे चल रहे बस। सुबह ही दोस्तों हम निकलेंगे और काफी ज्यादा हम मजे करने वाले हैं। हाँ चलिए वहाँ जाके तो बहुत ही मजा आएगा भाई, देखते हैं। क्या मजा आएगा जिमी वहां जाकर? बर्फ में खेलने बहुत बढ़िया लगेगा। हाँ ये बात तो सही कह रहा है मेरे बेटे, ये बात तो दोस्तों। बस ठोक दिया। अबे नहीं बे नहीं, ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो गाड़ी के ब्रेक पैड ही खराब है इसके। हाँ सही कह रहे हैं, जब है ना लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते नहीं ना, तो हाँ? बोलती है खट्टे हैं अंगूर, तो अब नहीं खाऊंगी मैं, अच्छा वही हालत तुम्हारी है, अच्छा चलानी मुझे आती ऐसा। नहीं। हाँ ए यार गाड़ी में ही कमी निकाल दो फिर। हाँ गाड़ी में तो देख बेटे कहीं ना कहीं तो इज्जत बचानी पड़ती है ना। बुढ़ापा हाँ सही है ना। सही है, चलो इसको खड़ी कर देता हूँ। बिग डैडी लगता है राजू को बोलना पड़ेगा दोबारा सर्विस के लिए, ले जा भाई इसको, अबे ज्यादा ना गाड़ी बोल से ले टूट तू, गई है। आ जा हाँ दिमाग फटाफट खराब करते रहते। फटाफट जल्दी अब कहाँ उसको चल रहे? शोरूम चल ले। शोरूम में क्या करेंगे जाके? अब बस मैंने सबको फोन करके समझा दिया था भाई, सही तरह रहना, क्या आएंगे 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद आएंगे हम? हाँ अबे ऐसे क्यों बोल दिया, शोरूम वाले छोड़े हो जाएंगे। और कभी कोई नहीं छोड़ा होगा, कोई नहीं छोड़ा होगा, तो हमारे शोरूम को बेच के खा जाएं वो लोग, क्यों पागल है वे लोग। हाँ बेटा तुझे नहीं पता आजकल की दुनियादारी का, तुझे बिजनेस नहीं करना आया जिमी आज तक। चलो ठीक है तुम कर लो बिजनेस, है कैसे करोगे आज मुझे, मैं भी सीखना चाहता हूँ। हाँ ठीक है ये एक काम कर, तू ले जा फैमिली को, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। यही क्या ऐसा कर लो, बुढ़ापा में तुम यही रहो, अच्छा क्या फायदा है कि नहीं, कभी वहां पे तुम खीटर टोटल जाओ। अड़ लगे तुझे मैं रह लूंगा, बता दा। लगता था, लगता नहीं मुझे भी। अच्छा क्या लगे सबसे ज्यादा खतरनाक रख किसकी? तुम्हारी है मैं तो लगता, ओ तुम्हारी लग रही। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम चल रहे हैं हमने शोरूम पर, और वहां जाने के बाद
फॉर्च्यूनर भी तो उठानी यार। जिमी भूल गया था क्या तू यार मेरे बच्चे? हाँ। पागल हो गया क्या तू थोड़ा सा? हाँ ये बात तो है। मुझे लग रहा जिमी तेरे अंदर ना दिमाग की बेटे थोड़ी सी कमी आ रही, तुझे बादाम खिलाऊंगा। बादाम की एक बोरी तो रखी है घर पर, लेकर आए थे तुम। हाँ इस गाड़ी को उधर ही खड़ी कर देते हैं। चलिए दोस्तों बमसी बमसी माँ बिंग बिंग बू आ जा। सस्ते नशे तार चिपक गई छाती से, जियो फाइबर की तार। अच्छा कौन सी तार जिमी? जियो फाइबर की तार। आ जा बे आ जा कर बताऊ जियो फाइबर की तार। बहुत बोलता है भाई जिमी दोस्तों, बहुत ज्यादा बोलने लग गया है। खैर कोई बात नहीं, चलिए अब हम अंदर दोस्तों जो है शोरूम में चलते हैं और अपनी फॉर्च्यूनर को उठाते हैं, घर के लिए निकलेंगे। सबको समझा दूंगा स्टाफ को कि भाई हम एक हफ्ते के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो है वापस आएंगे, ठीक है ना, तो ताकि स्टाफ हर चीज़ दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों तो फाइनली यार हम जो है यहाँ पर अपने शोरूम में आ चुके हैं। और जिमी यार ये क्या है? ये शॉटगन है, तुम्हें पता नहीं? अजी टाइम का क्या है, क्या बदतमीजी हो? अरे भूकंप आ गया था पापा जी यहाँ। हाँ भूकंप आ गया था, तुम लोग ही लेके आए होंगे भूकंप वगैरह। ये लेकर आया होगा, ये लाया होगा भूकंप। नहीं नहीं भूकंप, ये थोड़ा दब सी गई टैल। तुम इसका क्यों मार दिया तुमने? मर गया बेचारा, ये भूकंप ही 11 किलो का था। हाँ हाथ है तुम्हारा, हथौड़ा है बेटे, हथौड़ा है। चल फॉर्च्यूनर में लेकर चलेंगे अब। चलो फॉर्च्यूनर निकाल लो फटाफट। जिमी इसके अंदर टॉप मॉडल वाले बम्पर लगवा जल्दी से। ठीक है मैं लगवाता हूँ अभी, चिंता ना करो तुम। तो दोस्तों इस वाली गाड़ी में हम टॉप मॉडल के बम्पर्स वगैरह लगवाएंगे और इसी गाड़ी को आज हम जो है पहाड़ों पर लेकर जाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यार इस गाड़ी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और फिर हम जो है दोस्तों यहाँ से निकलते हैं। बोल रहा हूँ गड्डी में बैठ गया मैं, चलो घर पे मैं लुगाइयाँ इंतजार कर रही। कौन सी लुगाइयाँ जिमी? तुम्हारी लुगाई और मेरी सीटी। अच्छा 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 यही बोल लेगा तो अपनी माँ के बारे में, अपनी माँ नहीं बोल रही जाती तेरे से है, शरम आ रही है बोलते हुए। मॉम इंतजार कर रही है, कब आओगे? अच्छा समझते नहीं हो पापा तुम। अच्छा अच्छा ठीक है भाई। अरे फॉर्च्यूनर मजा आता है, शान की सवारी है, धीरे धीरे चलो अपना 10 की स्पीड पे। अरे बस इतने भी जितना शान की दिखाओ, थोड़ा जल्दी चलो यार, इंतजार कर रहे सब। अच्छा चल चलो यार, गाड़ी में लगा दिया हमने गियर। उतनी क्या हो गया? कुछ नहीं, बल मार दी साइड है ना। नहीं तो पता भाई, अबे ना वो बंदा आ रहा था सामने से। अरे नहीं मेरी बात सुनो, चश्मा बनवा लो पापा जी, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। अच्छा हाँ तुम्हारा आंखों से कम दिखाई देने लगा ना। वैसे जी मैं तो सही कह रहा, आंखों में तो कुछ हो रहा मेरी, पक्का मोतियाबिंद आ गया। हाँ मोतियाबिंद का एक चश्मा बनवा लो तुम। अच्छा एक तो मेरे ब्रेक और एक क्लच ही इधर उधर को भागते रहता है, मैं क्या करूं यार? तुम आते भागते हैं फिर से, फॉर्च्यूनर है फिर तो लोग बाग रोड पे कोई गाड़ी नहीं निकाल ले। मतलब क्या कह रहा तू भाई? हाँ सिर्फ तुम्हारे होते हैं ड्रामे, ये हो गया वो हो गया ये हो गया। अच्छा ज्यादा बोल रहा यार मेरे बेटे जी, मेरे लग रहा मुझे कुछ ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हो रहा, बहुत ही ज्यादा बोल रहा यार मेरे बेटे। तू गाड़ियों में कमी निकालते रहते हो, खुद में कमी होती है। अच्छा क्या करना चाहिए फिर जिमी तेरे साथ? मेरी साथ क्या करोगे तुम? नहीं नहीं कुछ करना चाहता हूँ मैं तेरे साथ। नहीं पापा जी मैं तो मजे ले रहा हूँ तुम। देख गाड़ी के ब्रेक पैड बताओ कैसे घिसते हैं, देख हल्के से ब्रेक मार के रखो, फुल रेंज दे दो, ब्रेक चिपके रहेंगे, डिस्क प्लेट खत्म हो जाएगी थोड़ी दूर तक ही। सही है तुम ऐसे ही तो करते हो, गाड़ियों का सत्यानाश पे रखा गाड़ी का। बताऊँ कैसे, जैसे किसी दोस्त की मिल जाना उससे चिढ़ रहा तू तो जलन उतार दी ऐसे, समझ गया? कोई एक बार देने के बाद कोई देखता भी नहीं होगा। चलो यार आराम से चलता हूँ, दोबारा ऐसे मोड़ता हूँ गाड़ी को। चलो बढ़िया, हाँ गुड हो गया। बमसी बमसी माँ बिंग बिंग बू। सस्ते सस्ते तार चिपक गई छाती से, जियो फाइबर की तार चेक करना आया था मैं भी। अच्छा छाती से चिपक गई मेरी तार, ओहो। चलो भाई चलो भाई चलो, आ जाओ भाई आ जाओ, लोंडा लोंडी आ जाओ फटाफट आ जाओ भाई, लोंडा लोंडी
मुन्ना मुन्नी। चलो भाई मैं क्या कह रहा जी, मैं पैकिंग कर ली क्या, बैग वैग सब कुछ क्या क्या है? हाँ सब पैक कर लिया। मेरा बाबू कहाँ है? बाबू, मेरे बाबू ने थाना थाया, देखते हैं अभी किधर चलना। गाइस तो ये सब लोग भी यहाँ पर जो है आ चुके हैं और ट्रेसी के पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। जिमी क्या हुआ भाई? हाँ ट्रेसी ये बोल रही है पेपर है मेरे। हाँ हाँ वो बोल रही है बस मैं ही रह लूंगी। अच्छा बहुत मजबूरी पेपर है ना, लास्ट पेपर चल रहे हैं, बताओ क्या कर सकते हैं, बहुत मजबूरी है। मैंने बोला चलो ठीक है, एक पड़ोसी को बोल रहा हूँ भाई रात को सो जाना हमारे घर पे, हमारी नौकरानी तो रहती है कि नहीं। ये नहीं चल रही क्या? आजा बाबू बैठ ले बाबू, बाबू मेरा बाबू ने थाना था लिया था सुबह। अबे ड्रामे ही बहुत है यार जिमी, इसके तो यार ड्रामे ही ज्यादा दिखावे हैं अमीर जादी। चलो भाई चलते हैं आराम से, बढ़िया चलिए। कहाँ चलना भाई? मैं तो सोचता हूँ जम्मू कश्मीर चलते हैं। अच्छा वहाँ बर्फ पड़ रही, खतरनाक वाली बर्फ पड़ रही वहाँ फिलहाल भाई। बर्फ में जिमी का जाने का मन है और अभी हम लॉस सैंटोस से 200 निकल गए हैं। आज का दिन थोड़ा मतलब हेडेक है यार, बहुत ही ज्यादा जिमी, सिर में दर्द है मेरे। अच्छा सुबह से ही? हाँ। बाकी तेरी माँ कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं तो आराम से बैठी। अच्छा गुटका दबा रखा मम्मा आजकल, पता है ना तुम्हें, पान खाने लगी मम्मी। विमल पान मसाला? ना विमल पान मसाला। कौन सा? विमल पान मसाला। हाँ विमल कौन खाता है जी? देवगन खाता है, शाहरुख खान खाता है, अब तो अक्षय कुमार भी खाने लग गया। हाँ बताओ भाई ये तो बात गलत है ना, लेकिन ये बड़े बड़े कलाकार हमारे देश का सत्यानाश कर रहे हैं। विमल खिला खिला के लोगों को मार रहे हैं। समझ गया बेटे, विमल वाले बहुत पैसा देते हैं, इतना पैसा देवे जितना तुम सुन भी नहीं पाने, समझ गए? सही कह रहे हैं, खरीद लेंगे तो अपनी कीमत बता। समझ गया, नहीं बात है इनके। समझ गया विमल पान मसाला, इन लोगों ने खरीद लिया उन्होंने कंपनी। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, चल तेल डलवा ले। चलो ठीक है तेल डलवाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बाबू। ठीक है तेरी लुगाई बैठी इसमें। हाँ तो मैं डलवा लेता हूँ। हाँ मुझे बता, तुझे पता है यार जी मेरे पे पैसे वैसे थोड़ा बस हिसाब आजकल ऐसे ही चल रहा, चल तेल डलवा जल्दी मारता हूँ। हाँ भाई अभी तुम कंजूस हो गए, अभी 7 अप पियोगे गुड़ 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 फिर रास्ते में बहुत मुझोगे तुम पापा जी। अबे एक ही पी रहा मैं यार, तू ला फटाफट जल्दी से उली क्या? गुड़ 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 पी लिया। हाँ पी लिया, एक घूट मारू तुझे पता मैं ज्यादा नहीं पीता, भर वाली का तेल। चलो बस तेल का फुल करा दिया बिल्कुल। चलो मम्मी और बताओ गुटका उठ पान वान तो नहीं लेना, तुम्हारे लिए मीठा पान मंगवा दूं? हाँ मेरा बाबू भी खाएगा पान। अपनी बीवी को आगे बिठा दे मेरे पास, मेरा बाबू भी खाएगा पान। है बेजी कर ले करो, तुम्हारी लड़की के समान है वो। ये क्या दांत दिखा रहे पापा जी, तो दांत भी काले हो रहे तुम्हारे, तो क्या खाया था रात में क्या? बहुत बदबू आ रही तुम्हारे मुझे तो। ओ ज्यादा ना बोल ले। ना ना बहुत बदबू आ रही, सच बता रहा हूँ पापा जी। अच्छा चिकन फ्राई खाया था जब ये तो भाई। अच्छा वो है ना मरे मुर्गे को फ्राई कर दिया तुम्हें लगता है। ओ भाई साहब ऐसा है क्या? ये चलो शिमला बाईपास पर आ चुके हम, बढ़िया। ये तो बहुत ज्यादा गलत हो गया भाई मेरे बाप के साथ। ज्यादा ना बोल ले भाई, ज्यादा ना बोल ले बहू के सामने। ना ना मैं तो कुछ बोलता ही, तुम्हें पता नहीं कैसा इंसान हूँ मैं। अब आराम आराम से यहाँ खोल के चलियो, इसमें है ना मोतिया बींद हो रहा ना तुम्हारी अंकों में। दवाई डाल ली थी, दवाई ले ली अंकों में, वो कल दिला के लेके आया था मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले गया। बता क्यों बोल रहा तुम? अरे भाई तुम्हारी तुम्हारे बाप के अंकों में थोड़ी कमजोरी आ चुकी है, मोतिया बिंद है। वो बिंद निकाल दूंगा फिर, वरना अगर कुछ हो गया तो। सच बता रहा हूँ पापा जी बहुत खतरनाक से तार चिपक गई छाती से, जियो फाइबर की तार। बम्सी बम्सी मा बिंग बिंग से तार चिपक गई छाती से। डेली कौन कसे? अरे जियो फाइबर की तार। कहाँ सुन लिया जिमी तूने?
अरे भाई आजकल सस्ते से बहुत कर रहे लोग, इसलिए सुनना पड़ता है। हाँ बताओ क्या कर सकते हैं। माँ पहाड़ों पर हमें बर्फ दिख रही है, कितनी ज्यादा बर्फ में ढके हुए हैं, ऐसा लग रहा है भाई अभी से चादर वो हो गई है, चांदनी चांदी चांदी पड़ी हुई है, मुझे तो मेरी आंखें चुंधिया गई है, दिखाई नहीं दे रहा, दिख रहा मुझे सफेद सफेद तो दिखने लग गया, दिल में एकदम फूंसी सी हो रही है। तुझे कुछ नहीं दिख रहा होगा, अंधा तू जिमी। अच्छा मैं अंधा? हाँ सही कह रहे हो पापा जी, तुम होटल लेना क्या? नहीं नहीं होटल भी लेंगे भाई, आज तो यहीं ठहरेंगे, कल से फिर हम अपनी एडवेंचर शुरू करेंगे, क्या करना क्या नहीं, मेरे बाबू के साथ हम क्या करना चाहेंगे घूमेंगे। अच्छा। यहाँ पर भाई हम पूरा शिमला पहुँच गए बेटा, ये पहाड़ जो है आगे हैं, और अभी आप सभी लोग यहाँ पर बर्फ देखो भाई, कितनी ज्यादा खतरनाक बर्फ हो रखी है जी। मैं भाई देख रहे वाइट ही वाइट, मेरे बाबू देख ले है कि नहीं, तुम तो दूसरी दुनिया से आई हो ना। हाँ आइलैंड पे वहाँ तो पड़ती नहीं, वहाँ बहुत गर्मी रहती है, इसीलिए तो सबसे ज्यादा तो इन्हीं की वजह से आए हैं, वरना हमने तो देख। यहाँ ना जी में मुसाफिर खाना है, तो वहाँ के ना वहाँ मुसाफिर ठहरते हैं, वहाँ ना उन्होंने वो बना रखा है, क्या कहते हैं वो नहीं होता, अरे तंदूर नहीं लगाते क्या? हाँ तंदूर भी होता है और वो नहीं होता है वो जिसमें रात को रात गुजारते हैं। हाँ हाँ ठीक है वही ठहरते हैं आज। ठीक है भाई आज। ओ भाई भेड़िया घूम रहा है यही, इनकी साथ ही मजे लेते हैं कि नहीं पापा जी? हम तो भाई सही नहीं करना, गाड़ी में डर जाएंगे तो लोग भी हमें देखे। बस फॉर्च्यूनर आ गई, फॉर्च्यूनर बस 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 आ जाओ भाई आ जाओ यार, मिलजुल के रहेंगे यहीं पे है कि नहीं? मिलजुल के मजे लेते हैं जिंदगी में। चलिए दोस्तों यहाँ पर ये देखिए भाई, मस्त आग वाग जला रखी है यार, देखो कितनी मस्त आग वाग जल रही है, और यहाँ पर ये सब आए भाई, से ठंड ना लग जा जिमी। ना ना ठंड ठुंड कुछ नहीं लगनी है भाई। यो क्या है आज, पता चल गया मुझे क्या है, आज तो पता चल गया, आज तो मैं देखूंगा। यो क्या है भाई जिमी, क्या है यहाँ से तो सांवली ऊपर से गोरी, ऐसा क्यों देख? ये स्किन कलर पहन रखा है ना अंदर भी। पापा जी तुम्हें नहीं पता? अच्छा दो दो ड्रेस पहन रखी तुम, बुढ़ापा में पता था क्या नहीं क्या क्या हो रहा दुनिया में। अच्छा अच्छा मुझे ऐसा लगे मेकअप कर रखा है इन्हें, ज्यादा कम मुदलवा कुछ और मिले। चल सही है भाई मर्जी तेरी। बाकी दोस्तों हम यहाँ पर सोते हैं आज, टेंट लगा रखे हैं यहाँ पर, पैसे वैसे देने पड़ेंगे इनको, टेंट वेंट ना क्या हूँ क्या? बस बस अच्छा समझा लो मम्मी, चलिए तुम्हारा आदमी मिले बिना। क्या दोस्तों बहुत मजा आया, बट कल हम ना यहाँ पर पहाड़ की बिल्कुल चोटी पर जाने वाले हैं, और मैं सोच रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर ट्रैवर को भी मैं यहाँ पर बुला लूँ, वो आने के लिए बोल रहा था, और दोस्तों फ्रैंकलिन का मेरे को मैसेज आया था, इसने भी स्टोरी यहाँ पर डाली थी ना इंस्टाग्राम पे आने के बाद, तो उसका भी मैसेज आया, तो मैं सोच रहा हूँ उनको भी बुला लूँ, और फिर हम सीधा यहाँ से दोस्तों जो आगे निकलेंगे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, जिमी की शादी का एपिसोड ये पार्ट 4 है, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी यार मैं मिलता हूँ सबसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।